नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें। प्रिंसिपल मुर्दाबाद, प्रिंसिपल मुर्दाबाद। जमेड़िया जी 237 नंबर किला 77 नंबर मरबे दिया, ये पंचायत ने ते प्रिंसिपल ने मिली भुगत दे नाल जिहड़ी अज तक जो अहीं पढ़दे रहिंदे और बुढ़े हो गए स्कूल दे अंडर पहली स्कूल इहनूं ठेके दे दिंदा सी, इहनां मिली भुगत दे नाल रांझे नूं बुला दित्ते आ। आ वेखो लोकां नूं मूर्ख बनाउण वास्ते आ नहीं पत्थर रख्या ते इधर पंज मरले थां छड्डिया लोगों को खोन वास्ते भी इतने सचैटी बननी आ। इधर सारा घर बन गया, दुकाना बन गई, वलिया गया थान सारा। तुम वेखो ये पिंड की जायदाद जी घबड़ा करके हड़प्पी गई। ये पंचायत अपना सचैटी का सैकटरी बनाया जी मुंडा, इन्हें पहले इनू पिंड थान लिख के दिता ही सचैटी वास्ते। वो इन्हें 24 लाख का नारायण सिंह के पुत्र बिले वेचिया है, वो पिंड थां सचैटी का इन्हें बेच लिया। आने सोसायटी के नाँ से पिंड की 3 कलां 18 मरले पहली जी 1.5 करोड़ की बनती है। इस जगह के उत्ते कि 1.5 लाख तो घट मरला पहली नहीं मिल सकती, कोई भी इस चीज़ का पता कर सकता है। तो आज सामने झूठी सिर ला के यदि कोई मंजूरी नहीं जे, कोई कुछ नहीं जे, कोई फंड नहीं जे आया, आ उत्ते पैसे ला के बिल्डिंग खड़ी कर लिया जी, कब्जा कर लिया। अं गौरमेंट अगर बेनती करते हैं कि कब्जा छुड़ा के ये स्कूल के अंडर की जाए। इतने अं पार्किंग बनाई है गड्डिया की, मोटरसाइकलों की, साइकलों की, बच्चों की, यह सारा घबला हो जी। ना दसो तो की मसला अच्छ जो स्कूल के पिछले कट हुआ है। मेरा नाँ जी गुरपाल सिंह, पिंड ख्याला खुरद, साढ़े पिंड हाई स्कूल आ, जेदे सामने 3 कलां 18 मरले पैली जी ज्यों तो अं पढ़ते ही स्कूल के 70 साल उम्र हो गई है। तो अज तक वो जमीन जी स्कूल के अंडर से स्कूल ही उन्होंने ठेके दे दिंदा सी। 2 साल पहला तो इहदे उत्ते एक नींह पत्थर रख के सरकारिया साहब वालों वो थां 8-7 मरले वखरा छड्डिया। बाकी रांझा नां दा बंदा जिहड़ा कोऑपरेटिव सोसायटी का पिंड नूं मूर्ख बना के इन्हां ने वो जगह वाली, उहदे उत्ते कोई भी डाकूमेंट इन्हां कोल नहीं, जिहदा कि मैं तो इस चीज़ का रिसपोंसीबल जिहड़ा प्रिंसीपल मैडम समझदा, क्यों इन्हां दे अंडर आउंदी सी, इन्हां ने रौला पाउणा सी, पिंड नूं वी इन्हां इकट्ठा करना सी। पर इन्हां इह कहिंदे वी असीं एप्लीकेशन दित्तियां, वह अगे महकमे जाणदे आ वी उहनां क्यों नहीं कार्रवाई की, वह जवाब दे ने। बाकी स्कूल की हुण वी तुसीं जाके वेख लो 6 किले पैली आ, जिहदे विच 200 मीटर का जिहड़ा ट्रैक बणिया सिर्फ जिहड़ा 1.5 किले दे विच बणिया, बाकी सारी जमीन खाली पई आ। उहदे उत्ते 6 साल पहला तो इट्टां पैंदियां रहियां, पहला सानूं इह नहीं पता हुंदा वी इह स्कूल देंदा कि किस तरह। हुण उह फिर पता कीता तो वह भट्ठे वालिआं कोलों ठेका लैंदे ने, सरपंच नूं पुछदा तो कहिंदा मैं मैडम नूं दस्सिआ, मैडम नाल रल के कीता वी असीं टीलां लैणियां ने, असीं कुछ करना है। मैडम जी नूं पुछिआ तो मैडम पहलां तो सानूं इह कहिंदे वी उह पहली स्कूल दी आ, उह स्टेडियम स्कूल दा है। बड़ी परेशानी होई, बड़ी हैरानी भी होई कि साडे देश दा पढ़िआ लिखिआ व्यक्ति ये कवे जिहड़ा कुर्सी ते होवे सीओ कमांडिंग अफिसर होवे स्कूल दा प्रिंसीपल होवे ते उहनूं इह ना पता होवे वी मेरी हदूद दे विच किहड़ी चीज़ आउंदी आ। जदों उहनां नूं जगाया है ते फिर उह कहिंदे वी मैं पता करूँगी। अज उहनां कहा है कि उह स्कूल दी पैली, नहीं तो उहदे मनदे नहीं वी स्कूल दी पैली आ। इह छोटे छोटे जिहड़े घबले ने साडे समाज नूं गंदियां करदे ने। असीं बेनती करदे हां कि जिहड़ी साडे स्कूल दे सामने बिल्कुल फ्रंट दे विच 3 कलां 18 मरले पैली आ, उहदे विच असीं पार्किंग बनाउणी आ, उहदे विच गड्डियां मोटरसाइकल स्कूल स्कूल दे बच्चों के साइकिल वगैरह खलोण, जिहड़ी वो स्टेडियम सारा ढह गया है उहनूं अमलियां ने सारा लोहा उहदा कढ के वेच लिया, हुण दरवाजे तोड़न डए ने उहदे। साडे स्कूल दे विच 400 मीटर ट्रैक दा उस जगह दे उत्ते स्टेडियम बणा दित्ता जावे तां कि साडे पिंड दा रिकॉर्ड आ। साडे पिंड जदों हाई स्कूल बनया सब तो पहला PT मास्टर आया सी सिजलवड़ी का गुरनाम सिंह, जिहड़े इंडिया के हाई जंप के रिकॉर्ड होल्डर से, 6 फुट 4 इंच उन्हों का हाई जंप सी। उन्होंने सिखलाई दी साडे पिंड के घट्टो घट 50-60 बंदे जिहड़े आ उह नैशनल खेड चुके आ, ते हज़ारां ही बंदे जिहड़े उह नौकरी दे उत्ते सी गेमां दे सिर ते। पर हुण अज साडे स्कूल दा आ के तुसीं वेख लो कि बेड़ा गर्क आ, कोई ग्राउंड नहीं, कोई टीम नहीं, कुछ नहीं। सो अं बेनती करते हैं कि ये जो जिन्ना भी घबला है इनू इनकुआरी करके
कि सामने लिया जाए भी ये पैसे कौन खान डे थान कि मिली भुगतना वाले आ गया साड़ी तो यही बेनती है जी। कोई शिकायत की होर अधिकारियों सरकार के नुमाइंदे सर मैं वेखो जी पंचायत मंत्री साहब न धारीवाल साहब न सी एम साहब न डी सी साहब न जिला डिस्ट्रिक्ट बोर्ड न डी सी साहब न सारिया अपनी चक लिया जी। हूँ वेखो भी कार्रवाई कदों होंगी है की होंगे मैं डीकन डिया टीम अज आई कि वालों भेजी गई ये सिक्ख्या अधिकार वालों भेजी गई आ जिन्होंने पता करना कि मैडम का बेच हथ हैगा कि नहीं है मैं उन्होंने ये बयान दिता है भी तुम कुछ भी ना गिणो मैडम जी नैगलजेंसी तो है ना जिन्हों यह नहीं पता भी मेरी जमीन किन्नी आ मेरी ग्राउंड किन्नी आ कादे वास्ते तनखावां लेंदे ने जिन्हां नूं ग्राउंड का ही नहीं पता प्रॉपर्टी का नहीं पता स्कूल की तो वह की करनगे आए थे जी वो मौका वेख के गए ने उन्होंने तनखास्त दी है भी तुम आ के वेखो ये जिहड़ा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की पैली है हुण पंचायत दे अंडर आ गई है जी भी पंचायत की पैली आ वो तुहाडे अंडर आउंदी है तुम आ के वेखो वो वेख के गए ने मौका ठीक आ वेखो हुण की करदे आ चेयरमैन साहब मौका वेख के गए आउन ग्राउंड वेख के गए सारा और उन्होंने यूट्यूब पर भी पाया तो उन्होंने भरोसा भी दवाया भी जेदे उत्ते कार्रवाई जिहड़ा जिम्मेवार होगा तो कार्रवाई की जाऊगी। कहना तो यह है जी वेखो मैं उत्थे बतौर सैकटरी हाँ 1987 जी सोसायटी है बनी सी जिद 1987 तो लैके हूँ तक ना तो कोई दफ्तर गोदाम कुछ नहीं है साइड के को रेंट के उत्ते दुकाना लिया हुई पिंड जिन्या भी पंचायत हूँ तक बनिया सारियां यही बेनती करते रहे हैं कि सानू दफ्तर गोदाम जो बना के दिता जाए क्योंकि पिंड की सोसायटी आ ख्याला खुरद तो ख्याला कलां दो पिंडा की तो दोवे पिंड पंचायतों यो कहते रहे उस तो बाद हूँ भी जो कांग्रेस सरकार थी पिछली उदों दोवे पंचायत जगिया ख्याला खुरद के कलां उन्होंने कहा कि सानू दफ्तर गोदाम बना के दो तो 2020 ने पंचायतों ने सरकारिया साहब उदो कैबिनेट मंत्री उन्होंने गल की भी सोसायटी का साड़ा दफ्तर नहीं है उदों सरकारिया साहब ने इत्थे जिहड़ी जमीन आ स्कूल के सामने तीन कनाल तो कुछ मरले आ इहदे विच उद्घाटन किया 2020 सोसायटी के दफ्तर गोदाम का वो पंचायतों के थ्रू ही किया वा क्योंकि अं सरकारिया साहब को सीधे नहीं गए जी कि उस तो बाद ने सानू वो कहें कि ये जी जगह आ जिला परिषद की है जिला परिषद जोड़े जिला परिषद मैंबर से उन्होंने भी बेनती की उन्होंने कहा कि तुहानू अं रेंट पर मता पा के देवे कि 50 साल या 25 साल का रेंट का मता होगा उदा तुहानू जिहड़ा हर साल दे साल उदा रेंट देना पऊ जमीन का अं क्या ठीक है जिन्ना जो जायज रेट होएगा वही देवे इन्हें क्या भी वह रेंट जिन्ना होगा तुहानू दस देंगे मता पा के देवे तो इन्होंने उद्घाटन करता मंत्री साहब ने उद्घाटन करने तो बाद इन्होंने मतलब नाल दी नाल ही काम जिहड़ा ना शुरू कराता कि काम शुरू करो अं उन्होंने कहा भी सानू मता नहीं पै के मिलया हजे तक तो सानू मता पा दो अं काम इस बात शुरू करना उन्होंने कहा भी एक तुहानू एक महीने के मता जिहड़ा वह पै जूगा वो थोड़ियां दो दुकाना या दो तीन दुकाना जिहड़ियां बनाईयां होईयां उहदे ते 15-20 दिनां दे विच लेंटर पै गया इन्होंने शुरू कराता साडे कोल कि तुहानू ग्रांट भी मिल जाएगी मता भी मिल जाएगा सरकारी जगह आ सरकारी बिल्डिंग बननी आ ते उस तों बाद आधार ही जिहड़ी आ सीमेंट लिया आधार ही रेता लई आ सरिया लिया सारा कुछ आधार चलता रहा वो जदों महीना लंघ गया महीना लंघन तो बाद अं उन्होंने कहा कि सरपंच साहब नूं कि मैनूं साडे नाल चलो सरकारी साहब को तो सानूं मता पवा के दो नहीं तो अं काम नहीं करना उन्होंने कहा नहीं कोई नहीं तुहानू भी पा दिंदे मता अं काम बंद कराता इन्होंने ही मुड़ के सानू फोन आया भी काम बंद कर दो भी काम नहीं चलाना अं काम बंद करता उदों काम बंद रहा उस तो बाद हुण तक ये कहिंदे रहे कि काम दोबारा शुरू करो तुसीं अपनी सोसायटी जिहड़ी कंप्लीट करो पर साडे कोल फंड नहीं हैगे ना पैसा ही हैगा पिछला आधार देण वाला सी उह अहीं दित्ता नहीं गया साडे कोलों क्योंकि वह सरकार दिंदी ते तद ही देना ही सरकार ने कोई पैसा नहीं दिता ना ही कोई पेमेंट दिती ना कोई मता पा के दिता ये करके अं उस जिहड़ी जगह आ उह 4 साल जां 3 साल हो गए उस तो बाद अं उस जगह दे विच कोई उसारी नहीं की ते ना ही अं कोई इन्हां नूं उसारी करन लई कहा आ वो इन्होंने अपनी मर्जी ना हुण तक जो भी वो लागे चागे बिल्डिंग बनाई आ नालियां बनाई जो बनाया उन्हें बनाया साडा उस जगह दे नाल कोई लैण देण नहीं आ साडा लैण देण तां आ जे सानूं मता पा के सोसायटी दे नाँ ते दिंदे आ हाँ जी ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡਮ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਲੱਗ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀ ਹੁਣ
ग्राम बनना सी एक सोसायटी का पिछले बने नहीं नहीं जी अं कोई पेट्रोल पंप का नहीं कहा पेट्रोल पंप जिन्ना चिर पास नहीं हुंदा जी 100 फुट मत्था घटो घट चाहिए वास्ते पेट्रोल पंप लई यानी कि पेट्रोल पंप तो शायद इन पैसे भी मिलता जी कला डीजल पंप मिलता डीजल पंप अं लवा सकते हैं जो साढ़े को जगह हो भी पहलों सोसायटी के ना जगह होएगी तो तद लगना वेखो जी कब्जा तो तद करिए जो बच्चे बैठे हुई तो कब्जा तद कर सकते बच्चे बैठे आप बैठे नहीं 2020 की सितंबर तो बाद आप उस जगह के नहीं गए थे वो पंचायत की जगह अज कट्ठी हुई पंचायत भी हुई है तो पिंड के लोग भी आए बाहरों भी आए हैं की मसला की आए ये मसला है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की जगह है तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का जिला पीस चले गया ये पंचायत का कोई भी इलाका देखा नहीं गा ना पंचायत ने कोई मता पा देखा जगह ये 3 कनाल 18 मरे हाँ जगह जी तो किन्ने कब्जा किया कब्जा हाले जी रांझा उन्होंने मतलब कब्जा उन्हें भी नहीं किया इन्होंने मता पा के दिता पहले उन्होंने मता पा देंगे उन्हें काम शुरू करा लिया तो मुड़के उन्होंने मता नहीं पा के दिता मुड़के उन्होंने काम रोकता इटा का की मसला वेखो जी वो तो मता वो तो आने फिर वो भी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की जगह है पंचायत की नहीं वो जगह स्कूल की है जी अच्छा स्कूल की जगह जी इसे मसले अज बैठिया ना मीटिंगा बैठिया और भी स्कूल की जगह जी अच्छा वो बारे की कहना चाहते वो बारे कहना जी भी स्कूल से 3-4 कमरे बने हैं वो कमरे जगह बहुत नीवी सी तो यह 35-40 साल तो जब जमीन जमीन लिए पई सी कलर से तो वो पठियाले इतने लोगों ने काफ़ी मिट्टी पुट्टी हुई टोए टाए पाए ही वो प मुड़ के पठियाले सानू गल की भी तुम मतलब अं टोए पूर के जो इतने इटा पा लिए वो तो 1.5 महीना 2 महीने हुए आ तो इन्होंने पिंड वाले मामला किया भी नहीं तो हाँ उन्होंने इटा चुकाती कमल बेट का ना जी ना बिल्कुल नहीं जी इतने जो भी बंद पिंड लै लो प्रूफ उत्थे पठियाली पुछ लो जिन्हों मर्जी पुछ लो उत्थे हर साल मेला उत्थे कई कदी इट कदी पई नहीं गई वो तो पटाई होने करके स्कूल का करके फायदा भी चल स्कूल मिट्टी पा के टायर ला लाँगे तो इन्हों नहीं चंगा लगा तो हाँ वापस ना चुक लो अपना समान हाँ जी सर ये जमीन जी है 3 कनाल 18 मरले बिल्कुल स्कूल के सामने हैगी है इसनों असी 19 तक ठेके से देंदे रहे 2019 तक ठेके से देंदे सी इहदा जिहड़ा भी ठेका आंदा सी मैं जमा करवाया करदी सी ते ए मैनू सब तो पहला पंचायत वालों कहा गया भी इत्थे कोऑपरेटिव सोसायटी का पेट्रोल पंप लगना है अच्छा उन्होंने मना किया भी ये ठेके ते नहीं देनी तो फिर मैं जिहड़ा है अपने डिपार्टमेंट नू खेतीबाड़ी सलाहकार नू जिहड़ी है चिट्ठी लिख के दस्या उस तो बाद मैं वख-वख समय ते वख-वख विभागों नू डीसी साहब जिहड़ा हैगा की कहिंदे अपने सैकटरी स्कूल एजुकेशन सब नू इहदे बारे मैं जिहड़ी है जानकारी दित्ती ते इत्थों तक कि साडे सैकटरी साहब वल्लों डीसी साहब नू पत्र लिख के जिहड़ा है इस जमीन बारे जिहड़ा हैगा इनफॉर्म किया गया उन्होंने कहा गया भी तुसीं इस दे बारे पता करो बिल्डिंग सार दित्ती गई है जिवें ये तो फिर डीसी साहब ने चेक करना सी ना ये देखो जी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की जमीन है तो मैं तो इनफॉर्मेशन देनी सी मैं सब वक् वक् विभागों को इनफॉर्मेशन दे दी है इस बारे भट्ठे वाली जमीन का एक रौला पिया जी 3 किले उसका ठेका लिया जा रहा देखो उसके बारे मैं मतलब कि बिल्कुल नहीं जानती ना मेरे वालों ठेका लिया गया ना ही किसी तरह के उन्होंने व्यापारी गतिविधि करने लिए उस मैं दिता है स्कूल के नाते जमीन हैगी है तो विचकार 4 किले स्टेडियम बनया पै तो मैं भी जोड़ा है अपने अध्यापकों वक् समय से उत्थे जाती रही कोई इटा नहीं सगिया पर हूँ थोड़े दिन पहला इटा देखिया गई तो वह भट्ठे के मालिक जोड़े है उन्होंने हटाने कह दिता गया तो वह भट्ठे के मालिक तो ज़्यादा अच्छी तरह दस सकते हैं कि उन्होंने किसनों ठेका दिता है ठीक कन्या सीनियर सैकेंडरी स्कूल जस्तरवाल मेरे नाल डॉक्टर सुनील गुप्ता प्रिंसीपल सीनियर सैकेंडरी स्कूल खालसा बाजार अज अं तो पिंड वालों शिकायत जी हुई है जमीन के बारे वो कार्रवाई संबंधी अज इतने मिलने आए थे अज जे मुख शिकायतकर्ता ने सरदार गुरपाल सिंह होनी उन्होंने बयान लै लिया तो नाल प्रिंसीपल मैडम के बयान लै लिया उन्होंने जो कार्रवाई उस संबंधी की है तो वो अं अज बयान लै लिया इन्होंने दोनों की मसला सामने आया जी ये मसला सामने आया कि जी पिंड की कड़ा स्कूल की जमीन आते किसी वालों नजायज कब्जा किया गया आ तो उस संबंधी ये एक शिकायत प्राप्त हुई थी सानू तो अं अज कार्रवाई की है नहीं पता लगा ही ना भी जी स्कूल ने जो सरपंच उन्होंने जमीन ठेके से दी है बाकी पिंड पता नहीं बारे ये पिंड जी जमीन अगे भी ठेके से देंदे रहे पर पिछे जो कनाल का कब्जा यदा हो गया वा तो यदि कनाल का 3 कनाल 17 मरले की जगह आ
इतने जो कब्जा हो गया ही तो जो घट ठेका मिले वा उसकी जानकारी भी मैडम वालों दी गई है कनाद उच्च अधिकारियों जो इस साल ठेका घट मिले वा क्योंकि कनाद की जमीन है जी ओरी कनाद का कब्जा होया जो मैडम लेंगे ਉਹ ਠੇਕਾ ਕਿਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡਮ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕਾ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਐਰਕਾ ਵੀ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਐਰਕੀ ਦਾ ਠੇਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੀਬ 1,16,000 ਠੇਕਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਐਰਕੀ ਕਿਨਾਂ ਦਾ ਕਰੀਬ 1,02,000 ਠੇਕਾ ਮਿਲਿਆ ਵਾ ਠੇਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਜੋ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਆ ਉਹਦਾ ਕਿਨਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇਹ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਠੇਕਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬੋਲੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਉਹਦੀ ਅਤੇ ਜੋ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਆ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 3 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਭੱਠੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰ ਉਹਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 3 ਕਨਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ ਉਹਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਆਹ 3 ਕਨਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 3 ਕਨਾਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬੋਲੀ 3 ਕਨਾਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ ਗਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕਨਾਲ ਦਾ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਬਣਾ ਦਾ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ